ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हम आप अगर ये सोचते रहें कि इश्क के तकाजे कुछ और होते हैं और अकल के कुछ और, तो हम अपनी जात के ताल्लुक से तो सोच सकते हैं, मगर क्या किसी नबी के ताल्लुक से भी सोच सकते हैं? किसी नबी के ताल्लुक से हम ये सोच सकते हैं कि नबी ने अकल का तकाजा पूरा नहीं किया, सिर्फ इश्क का तकाजा पूरा किया? कम से कम हम इस मकतब में किसी नबी के अकल पर कभी हमला नहीं कर सकते। सुने, नबी की तारीफ क्या है? नबी की एक तारीफ यह भी है कि नबी मुजस्सम अकल का नाम होता है। हमारे अंदर जो अकल है उसको कहा गया नबी बातिन, और जो खारिज में नबी है उसे कहा गया अकल फिल खारिज। जब अकल खारिज में मुजस्सम हो तो नबी बनती है। जब नबी जुज़्वे ज़ात बन जाए तो अकल कमाल पर होती है। नबी मुजस्सम अकल होता है, नबी मुजस्सम अकल होता है। पैकरे अकल देखना हो तो नबी को देखो। इसलिए ये ना समझना कि कोई नबी ऐसा हो सकता है जो अकल के तकाजे को छोड़कर सिर्फ इश्क के तकाजे पे आए। वो सिर्फ शायरी है, फलसफा नहीं है। जहां कहा गया कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, ये शायरी है। इसका हिकमत और फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं। हिकमत ये कहती है कि इंसान का वजूद एक वहदत है। फलसफा ये बताता है कि इश्क और अकल में दुई और तजाद नहीं है। अकल तमीज करती है कि ये चीज अच्छी है, इश्क कहता है कि अच्छी है तो हमारी होनी चाहिए। इश्क में कोई दुई नहीं है, इसलिए ये भी तकाजा ना कीजिए कि लाजिम है दिल के साथ रहे पासवाना, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हरगिज तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए दिल को, वरना दिल न जाने किसका इंतखाब कर ले। अकल साथ रहे ताकि बताए ये अच्छा है, जिसे अकल कहे अच्छा है दिल उसी का इंतखाब करे। शायरी की हद तक वो दुरुस्त है, मगर उसे इंसानों के लिए पैगाम नहीं बना सकते। उसे पैगाम नहीं बना सकते, उस पर किसी एजुकेशन फिलॉसफी को बिल्ट नहीं कर सकते, कोई निज़ाम तालीम और तरबियत नहीं बना सकते। अक्ल और दिल साथ साथ रहें, अक्ल और इश्क साथ साथ रहें, इल्म और इश्क साथ साथ रहें। बात अजीब मंजिल पर आ गई, इसलिए अर्ज करने दीजिए। इंसान की अजमत के मुतालिक मैंने अर्ज किया था ना कि इतना बड़ा कारखाना है कुदरत, कायम है किस लिए? सिर्फ इंसान को बनाने के लिए। पूरा पूरी ये कायनात जो है ये एक रहम की मानिंद है, रहम मादर। इस रहम में रूहे बशरी परवान चढ़ती है,
ये जुमला मैं इधर मुसलसल कह रहा हूँ, रहम मादर में जिस्म बशरी परवान चढ़ता है और रहम फितरत में रूह बशरी परवान। और इस इंसान को देखें, इंसान को देखिए, गौर से देखिए इंसान को, तो लगता है ये भी कोई एक ऐसा सांचा है जिसमें जिसे बनाया गया है कोई और चीज बनाने के लिए। तवज्जो है, ये पूरी कायनात गौर से देखिए तो लगता है कायनात बनी है इंसान बनाने के लिए। इंसान को गौर से देखिए तो लगता है कि ये भी ऐसी है शय कि इसमें कोई चीज बनानी है। जैसे समंदर में सीपियां होती हैं ना, सीपियां बेकीमत है अगर उसमें मोती ना बने। अच्छा सीपियों को देखिए, उसको साइंटिफिकली देखिए, तो किसी सीपी में एक मोती बनता है, किसी में एक से ज्यादा मोती बनता है, आम तौर पर एक सीपी में एक मोती बनता है। इंसान इस तरह का साचा बनाया गया है कि इसमें दो चीजें बराबर से बनती हैं। इंसान वो सदफ वजूद है जिसमें दो गौहर बनाने की सलाहियत है साथ साथ। रूह है इंसानी में जो दो शोबे बनाए गए हैं, एक को कहा जाता है जहन, एक को कहा जाता है कल्ब। जहन वो हिस्सा है जिसमें इल्म बनता है, गौहर इल्म। कल्ब वो हिस्सा है कि जिसमें गौहर इश्क बनता है। कोई और शय ऐसी नहीं है जिसमें इल्म बन सके या इश्क बन सके। हैवानों में अदब और एहतराम के साथ मतानत मिंबर का ख्याल रखने करते हुए मैं जुमला कह रहा हूं, हैवानात में कशिश जिनसी होती है उसे इश्क नहीं कहते। कशिश जिनसी को इश्क नहीं कहते और हैवानों की जिबिल्लत को इल्म नहीं कहते। इल्म वो मोती है जो सिर्फ ज़हन इंसानी में बनता है और इश्क भी वो गौहर है जो सिर्फ कल्ब इंसानी में बनता है। और चूंकि ये दो गौहर की सलाहियत इंसान में रखी गई, इसीलिए अलामती तौर पर दो हाथ दिए गए और दो कदम, ताकि दोनों का बार उठाने के लिए अलामती तौर पर कदम मौजूद रहे और दोनों गौहर हाथ में लेकर नजरे बारगाह इलाही करने की सलाहियत रहे। परवरदिगार इल्म मेरा तेरी नजर है, इश्क मेरा तेरी खातिर है। मंजिल तक अगर पहुंच गया इंसान, अगर इस मंजिल तक पहुंच गया तो कामयाब हुआ, सरफराज हुआ। जब वो दोनों चीजें नजर खुदा करेगा तो उसकी कीमत खुदा के अलावा कौन लगाएगा। भाई पूरी कायनात ने मिलके मुझे बनाया, मैं मुझे एक कल्ब मिला, एक जहन मिला, मैंने कायनात का मुतालआ किया, जितने वसाइल इल्म थे इल्म हासिल किया, एक गौहर इल्म और इरफान बना, एक गौहर इश्क बना। दोनों मैंने अगर उसकी नज़र किया तो जिसकी नज़र करेंगे वही नज़र कबूल करेगा और उसकी कीमत देगा या कोई और। सलावत पढ़ दीजिए। बस यहाँ तक गुफ्तगू आ गई तो